जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउस वायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक हाउस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक व्यवस्थित तरीके से यूज कर सकें। अब हम इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो हमारे घर में यूज होता है। हाउस वायरिंग के बारे में सबसे पहले हम एक एमसीबी बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक ही इंस्ट्रूमेंट बनाने में काफ़ी वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को स्किप करेंगे और मिलेंगे आपसे सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद वायरिंग के वक्त में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वीडियो को यहाँ से फास्ट करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं और अब हम इसकी वायरिंग करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे मेन सप्लाई, जो कि एमसीबी के नीचे साइड में होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये हो गया नेगेटिव पॉइंट। और ये रेड टर्मिनल हो गया पॉजिटिव पॉइंट। ये हो गया मेन पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई। अब हम इसको ले जाएंगे सेकेंड एमसीबी में जो रूम नंबर 1 का है। तो सबसे पहले यह पॉजिटिव और यह हो जाता है आपका निगेटिव। अब हम इसे स्विच बोर्ड में लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वायर का वायरिंग करेंगे। और सभी स्विच को कॉमन कर देंगे। सभी स्विच में सप्लाई कॉमन रहेगा। और फिर हम सबसे पहले स्विच बोर्ड को सॉकेट को सप्लाई देने वाले हैं। तो हम फर्स्ट वाले स्विच से एक पावर सप्लाई उठाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्ट होता है और हमें बाद में फैन के लिए रेगुलेटर का यूज़ करना होता है। तो हम स्विच से रेगुलेटर में ले लेंगे और रेगुलेटर से फैन में। सेकंड रहेगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का हम लेंगे पूरा स्टेट ले लेते हैं। न्यूट्रल को हम दे देते हैं। ये भी इंटरनली आपस में कनेक्ट होता है। और फिर हम यहाँ से न्यूट्रल को उठाएंगे और न्यूट्रल हमारा हमेशा कॉमन रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखें। और हम इसको सीधा लेके जाएंगे यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन में। दूसरा रहेगा अपना पॉजिटिव वायर जो कि हम दूसरे स्विच से निकालेंगे और सीधा एग्जॉस्ट फैन की ओर, जैसे कि आप देख सकते हैं सीधा एग्जॉस्ट फैन में कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी हमारी जो न्यूट्रल सप्लाई है वो हमें चाहिए लाइट के लिए। तो हम लाइट के लिए सबसे पहले पॉजिटिव वायर लेके चलते हैं। तो हम यहाँ से एक सप्लाई लेंगे जो कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे लग चुका है लाइट में, और जो कि आप देख सकते हैं लग चुका है लाइट में। और अब हमें फैन और लाइट दोनों को न्यूट्रल देना है, तो हम इजली इसके आसपास जो भी न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ से उठाकर दे सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ले लिया है न्यूट्रल पॉइंट को, और यही न्यूट्रल पॉइंट को हम फिर आगे लेके जाएंगे। लाइट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम हाउस वायरिंग का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।